किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे दफ्तरी के चने के एवरेज के बारे में और अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मीना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टिप्स एंड मंडी भाव में। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी अच्छी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। हमारे बहुत से किसान भाई धान न लगाकर चने की खेती की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इसका कारण है जल्दी चने लगाकर फिर उस पर मूंग की खेती करना। अब बात करते हैं चने की खेती की, तो हमारे भाई अगर धान के गट्टों में चने की खेती करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी बात, चने में पानी लगाए तो नोजल से करें और 3 से 4 इंच तक पानी दें। अगर आप खुला पानी करोगे तो आपके चने खराब होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। उसका कारण बराबर खेत होने से पानी रुकेगा तो वहाँ के चने के पौधे गलेंगे और ज़्यादा नमी रहेगी खेत में तो भी चने खराब होंगे। ये तो हो गई धान के गड्ढों में चने की खेती की। अब बात करते हैं ढालू या ऊंचे नीचे खेत, जहाँ पानी ना रुकता हो वहाँ आप खुला पानी दे सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, दफ्तरी के चने ने कितना उत्पादन दिया। मेरे दो भाइयों ने दफ्तरी का चना लगाया था, जहां एक ने धान के गड्ढों में लगाया तो दूसरे ने खाली खेत में। धान के गड्ढों में खुला पानी देने से कुछ चने खराब हो गए थे, वहां उनका उत्पादन 1 एकड़ में 11 कुंटल रहा। दूसरे भाई के चने काफ़ी अच्छे थे, उनका 1 एकड़ में उत्पादन 16 कुंटल का था। हमारे सुनील भाई जिनका 11 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हुआ, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया खुला पानी देने के 1 दिन बाद से ही मौसम खराब हो गया, बादल और 4-5 दिन कोहरा रहा, जिसके कारण बहुत से चने के पौधे खराब हो गए। 11 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन से काफ़ी खुश हैं, इस साल भी दफ्तरी के चना लगाने की बोल रहे हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।